Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today we are going to do the topic the counseling process. This section is from unit 1 block 4 MPCE 023, that is MAPC second year counseling psychology students. This video is for you guys. This is the last topic of this unit. So let us start with the counseling process. काउंसलिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, पूरा प्रोसेस कैसे चलता है. सपोज आपके पास एक क्लाइंट आया और वो कह रहा है कि मुझे आपसे काउंसलिंग चाहिए, तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे, आप कैसे उसको हैंडल करेंगे, आपको क्या चीज़ें नोटिस करनी पड़ेंगी, क्या राइट डाउन करना होगा. एंड यू शुड हैव अ डायरी एंड अ पेन व्हेन एवर यू आर टेकिंग काउंसलिंग सेशंस. आप एकदम ऐसे ही डायरेक्ट फेस टू फेस नहीं बैठना, फेस टू फेस बैठना मतलब फ्री नहीं बैठना है. आपके पास आपकी डायरी होनी चाहिए जिसमें आप इनके डिटेल्स नोट करेंगे. ये तो आपको पता है कि आप डेमोग्राफिक जो डिटेल्स होते हैं, एज, क्वालिफिकेशन, प्लेस, एजुकेशन, ये डिटेल्स तो आप लेते ही हैं. कहाँ से है, कौन सी बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, फैमिली स्ट्रक्चर क्या है, ये चीज़ तो आपको लेना ही पड़ता है. सो नाउ अब हम कैसे करेंगे वो सारी चीज़ें इसमें भी बताया है. एक तो काउंसलिंग बहुत सिस्टमैटिक वे है करने का, और पहले से आपको प्लान करना होता है. कोई भी सेशन लेने से पहले आपको स्टडी करनी होती है अपने क्लाइंट की. सपोज आपके पास पहले आ चुका है, पहला सेशन जनरली असेसमेंट सेशन होता है जहाँ पे आप उसके बारे में सारी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं. उस टाइम पे सबसे ज़्यादा क्लाइंट ही आपसे बोलता है और आप सुनते हैं. लेकिन अगर क्लाइंट ईजी फील नहीं कर रहा, देन यू कैन मेक देम कम्फर्टेबल, मेक अ रेपो एंड देन स्टार्ट आस्किंग देम. सो धीरे धीरे वो खुल के फिर शुरू हो जाते हैं अपने आप ही. तो पहला सेशन तो ऐसे ही निकल जाता है. बट जब सेकेंड सेशन की बारी आती है, तो उससे पहले आपको पूरा प्लानिंग करनी होगी कि आपको क्या कैसे आगे प्रोसीड करना है. उसके सिम्टम्स क्या थे, रिसोर्सेज उसके क्या हैं, रिसोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से उसको हेल्प मिल रही है, कौन इसकी हेल्प कर सकता है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा है, कितना सपोर्ट मिलता है, उसका बिलीफ सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी होगी. तो फर्स्ट पॉइंट इसमें आता है स्टार्टिंग एंड स्ट्रक्चरिंग. वन मोर थिंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पॉइंट वाइज लर्न करने पड़ेंगी हेडिंग, एंड देन यू कैन राइट वट एवर यू हैव अंडरस्टूड. तो बीच में आप क्या लिखते हैं वो आपकी मर्जी है, मतलब आपने जो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली लिख सकते हो, बट हेडिंग एटलीस्ट आपको सेम रखनी होगी. सो फर्स्ट है स्टार्टिंग एंड स्ट्रक्चरिंग. जो काउंसलर है उसको एक तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप मेंटेन करनी है अपने क्लाइंट के साथ. उसको सेशन का टाइम फिक्स रखना है. अगर आपने 45 मिनट्स लिखा है तो 45 मिनट्स में ही आपको कंप्लीट करना है. आपको बढ़ाना नहीं है, ये नहीं कि एक घंटा डेढ़ घंटा बिठा लिया आपने, ये नहीं करना है. सो यू नीड नॉट टू बी हेसिटेंट. आपको पहले ही अगर 45 मिनट्स का सेशन है तो आप 35 मिनट्स ओवर होते ही साथ उनको रिकॉल कराना शुरू करें कि ये सेशन लिमिटेड है एंड इसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में अगली बार मिलेंगे. तो वंस इन अ वीक ज़्यादा प्रिफर्ड होता है सेशंस, बट डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट कभी कभी जल्दी भी बुलाना पड़ता है जब सीवियर केसेस होते हैं. सो ओके, सो नाउ जब आपने टाइम भी फिक्स कर लिया कि आपके सेशन का टाइम क्या होगा, 45 मिनिमम टाइम होता है, एंड मैक्सिमम आप 50-60 मिनट्स तक का ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेना है. एंड आपको ये एश्योर करना है कि आप किसी भी तरीके से क्लाइंट को इनफॉर्मल मैनर में बात नहीं करेंगे, फ़ोन के थ्रू या किसी जगह पे आपको मिल गया आपका क्लाइंट, तो आप हाय हेलो करने नहीं चले जाएंगे उसके पास, बिल्कुल नहीं जाना है. आपको ऐसे शो करना है कि आप उसको जानते ही नहीं, आपने कभी मिले ही नहीं आप उससे. सो आपको ये बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी अपने क्लाइंट के साथ. जो भी आप वर्ड कहते हैं वो हमेशा डायरेक्शनल होना चाहिए, कोई पर्सनल कमेंट नहीं होना चाहिए. इस तरह से आपको काउंसलिंग करना है कि सामने वाला आपके साथ कंफर्टेबल हो और आगे बात करने के लिए इंटरेस्टेड हो, अपना पर्सनल इंटरेस्ट शो करे, अपने लाइफ के बारे में बता सके आपको. आपकी जो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन पैटर्न होता है, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक बहुत है, तो थोड़ा सा आप आइडिया लगा लेना कि कहाँ पे कौन सा वर्ड आना चाहिए. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स भी हैं, सो थोड़ा सा समझने में हो सकता है प्रॉब्लम, बट मैं क्योंकि समझा रही हूँ तो आपको मे बी जल्दी पता चल जाएगा कहाँ गड़बड़ है. सो लैंग्वेज और कम्युनिकेशन जो पैटर्न होगा आपका, आपकी जो टोन होगी वो बहुत कम्फर्टेबल होनी चाहिए क्लाइंट के लिए. उनको सॉफ्ट फील होना चाहिए, उनको वेलकमिंग फील होना चाहिए. कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं रखना अपनी लैंग्वेज में, और जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो होनी चाहिए. मतलब क्लाइंट को भी समझ में आना चाहिए कि आप क्या समझाना चाह रहे हैं उसको, और क्लाइंट की बात आपको समझ में आनी चाहिए. काउंसलर की टोन, आप कहाँ पॉज देते हैं, आप कहाँ पे अपना पेशेंस दिखाते हैं, आप कहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस दिखा रहे हैं. जब आप क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत सॉफ्टली करना है, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सीआईडी के सामने बैठे हुए हैं, है ना. तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है. आपको बहुत एम्पैथेटिक रहना पड़ेगा आपके रेस्पॉन्सेस को लेकर, और जो जो आप क्वेश्चन करते हैं वो इस तरह के होने चाहिए जो एक तो ऑनेस्ट क्वेश्चनिंग होगी, एंड सेकेंडली सेल्फ एक्सप्लोरिंग रेस्पॉन्सेज क्लाइंट के मिल जाए. मतलब जब वो रिप्लाई करे आपकी बात का, तो वो इस तरह से करे कि वो
उसको भी रियलाइज़ हो कि हाँ ये इस बारे में तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मैं ऐसा भी करता हूँ या ऐसा भी करती हूँ। इस तरह से उस क्लाइंट की हर बात का आपको बहुत ध्यान से सुनना है। एंड डायरी रखने के लिए मैंने इसीलिए बोला कि आप वहाँ नोट डाउन कर सकते हैं। अगेन यू कैन टेक द कॉन्सेंट ऑफ द क्लाइंट। जनरली क्लाइंट कुछ बोलते नहीं है इस बारे में, बट अगर आप कॉन्सेंट लेना चाहते हो पूछ सकते हैं कि क्या मैं ये चीज़ें नोट डाउन कर लूँ डायरी में, सो दैट मैं आपको ज़्यादा हेल्प कर सकूँ इस तरह से। सो आप क्लाइंट को ध्यान से सुने एंड उसके सारे केस स्टडी, उसके डिटेल्स ले लें, जो इवन उनसे भी ले सकते हैं जो इनके रिसोर्सेज हैं, मतलब कि जो इनको लेके आए हैं। इन्फॉर्मेंट वो होता है जो इनको लेके आया है या इनके साथ आया है, जो जो इनके बारे में कुछ बता सकता है। मेडिकल रिपोर्ट है तो वो आप ले लें, साइकोलॉजिकल कोई रिपोर्ट और टेस्ट है तो वो आप ले सकते हैं, और जो भी इंफॉर्मेशन क्लाइंट दे रहा है वो सारी केस स्टडी में आ जाती है। तो वो सब आपको नोट डाउन कर लेना है। और कोई डॉक्यूमेंट अगर रखने हैं तो आप रख नहीं सकते, लेकिन आप फोटो कॉपी करा सकते हैं, पिक्चर क्लिक करके रख सकते हैं फर्दर स्टडी के लिए। नेक्स्ट इज़ डेवलपमेंट ऑफ इनसाइट एंड मेकिंग रैपो। जब एक्टिव लिसनिंग, बहुत इंपॉर्टेंट, एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है जब आप उसको सुन रहे हैं तो आप आँखों से आई लिड्स हिला के हामी भरते हैं, अपना सर हिलाते हैं, है ना, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ वो आप ध्यान से सुन रहे हो। सो वो आपको हिंट्स एक्टिव लिसनिंग में देनी होगी, है ना, और जो बोल रहे हैं बहुत ध्यान से आपको सुनना है, क्योंकि वही आपकी रास्ता तय करेगा कि आपको किस तरह से काउंसलिंग करनी है। क्लाइंट जब काउंसलर के पास आता है तो बहुत सारे बैड एक्सपीरियंसेस के साथ आता है, ऑब्वियसली दैट इज़ वाई क्लाइंट इज़ कमिंग टू यू। उसके अंदर नेगेटिव इमोशंस होंगे, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस, कॉन्फ्लिक्ट्स, डाउट्स होंगे, आप इवन सेशंस के लिए भी उसको शक होगा कि पता नहीं कुछ हेल्प मिलेगी या नहीं मिलेगी, है ना, थोड़ा ऑकवर्डनेस भी फील कर रहा होगा अगर पहली बार आया होगा। सो ये वाली चीज़ों पे आपको ध्यान देना होगा और आपको समझना होगा कि वो किस मेंटल स्टेट में आपके पास आ रहा है। एग्जैक्ट प्रॉब्लम मे बी क्लाइंट को ना पता हो सकता है उसको पता हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो आपको आइडिया लग जाएगा बात करने से कि वो कितना अपने बारे में जानता है, कितना वो कितना कैसा सोच रहा है, उसके ब्रेन में क्या चल रहा है। जो काउंसलर हैं वो रिलैक्स कराएंगे क्लाइंट को सबसे पहले, एंड देन उसको ये शो करेंगे कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको विद हिज फॉल्ट्स, विद हर फॉल्ट्स। अगर वो अपने आप को गिल्टी भी फील कर रहा है या किसी इशू के साथ आ रहा है या परेशान है, तो उसको एक्सेप्टेंस दिखाएंगे कि ही और शी इज़ ऑलवेज वेलकम टू कम ओवर एंड स्पीक। सो इससे क्या होगा, वो कंफर्टेबल फील करेगा और आपके सामने खुल पाएगा, आपके सामने बोल पाएगा, अच्छे से अपनी लाइफ के प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर पाएगा। क्लाइंट जब भी आता है तो आपके डिफरेंट डिफरेंट सेशंस में आपको कुछ नया उसको सिखाना होगा, जैसे कि मोटिवेशनल सेशन हो सकता है, एक आध दूसरा रिलैक्सेशन सेशन हो सकता है जहाँ पे आप रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाएंगे। नेक्स्ट आपको साइको एजुकेशनल सेशंस हो सकते हैं जहाँ आप उसको एजुकेट करेंगे कि किस तरह से हमारा दिमाग काम करता है, कैसे हम सोचते हैं, करंट प्रॉब्लम को कैसे देखना है, इस बारे में बताएंगे। और क्लाइंट को हम ये एश्योरिटी दे सकते हैं कि उसकी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी एंड वो कभी भी किसी और पर्सन तक नहीं जाएगी, अनलेस कहीं पे कोई लॉ है जहाँ पे हमें बताना पड़ रहा है, एंड जो भी बताया जाएगा वो इनडायरेक्ट वे में हैंडल किया जाएगा सो दैट उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। तो इन्फॉर्मेशन है जो क्लाइंट की वो किसी फैमिली मेम्बर से डिस्क्लोज नहीं की जाएगी विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द क्लाइंट, ये भी आपको बोलना पड़ेगा। नाउ पैराफ्रेजिंग एंड रिलीज ऑफ इमोशंस, दिस इज पिंक हाईलाइट, दैट मीन्स एग्जाम में आ चुका है। पैराफ्रेजिंग होता है जब हम क्लाइंट की बात दूसरे शब्दों में उसको कम्युनिकेट करते हैं, जैसे क्लाइंट ने बोला कि मुझे नींद नहीं आती, मैं बहुत परेशान रहता हूँ और मैं डिप्रेशन में हूँ, ऐसा कुछ बोलता है आपका क्लाइंट आके, तो आप बोलोगे उससे कि जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ आप को नींद आने में इशू है और आप डिप्रेस फील करते हैं, आपको अच्छा फील नहीं होता है, सो क्या मैं सही समझ रही हूँ, इस तरह से आपको उनसे पूछना होगा। कभी कभी हमें क्लाइंट की लैंग्वेज में भी बात करनी होती है, आपको आपको सब आइडिया होगा लोग क्या करते हैं, अपनी कुछ टैगलाइन होती है वो जनरली यूज़ करते हैं, जैसे कि सपोज़ फॉर एग्जांपल धत्तेरे की कोई बार बार बोलता है, सो इन टैगलाइंस को आप कम्युनिकेट कर सकते हैं कुछ सिचुएशंस में, नॉट हमेशा, क्योंकि वो ऑफेंसिव भी हो सकता है, तो आपको सिचुएशन देखनी होगी कहाँ पे आप उसकी लैंग्वेज में उससे बात कर सकते हैं। जब वो उसी की टोन में आप बात करते हैं तो वो आपसे ज़्यादा फ्रेंडली हो जाता है और आपको अच्छे से चीज़ें कम्युनिकेट करने में ईज़ फील करता है। सो क्लाइंट हम क्यों पैराफ्रेजिंग करते हैं, बेसिकली हम पैराफ्रेजिंग इसलिए करते हैं कि क्लाइंट को ये समझ में आए कि काउंसलर उसको समझ रहा है,
जो वो कहना चाहता है उसके इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसको हम समझ पा रहे हैं। कभी कभी काउंसलर को वही सेम वर्ड भी यूज़ करने होते हैं इंस्टेड ऑफ पैराफ्रेजिंग, जो मैंने जैसे बताया उनकी टैगलाइन होती है या कुछ वर्ड्स होते हैं जो उन्हीं की लैंग्वेज में बात करना है ना, तो वो हेल्प करता है। जो क्लाइंट्स हैं वो उससे बहुत फ्री फील करते हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने में, और उसको एम्पैथेटिक एटमॉस्फेयर मिलने लगता है जैसे मैंने बताया। और आपके जेस्चर के बारे में भी मैं ऑलरेडी बता चुकी, तो मैं रिपीट नहीं करूँगी। आप जब पढ़ेंगे तो यहाँ पे आएगा इस सेक्शन में आपके वर्डिंग्स, क्लाइंट जो फील कर रहा है और जो वर्डिंग्स वो यूज़ करता है उस पर आपको बहुत ध्यान से सुनना है कि वो कौन सी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है, किस तरह के वर्ड्स यूज़ कर रहा है अपने इमोशंस के लिए। कभी कभी क्लाइंट का है ना एक पर्टिकुलर इमोशन के लिए एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, उस वर्ड को आपको कैप्चर करना है, उस वर्ड से उसको ये समझ में आएगा कि आप उसकी बात समझ रहे हैं। सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंट अपने इमोशंस रिलीज़ करने लगेगा, जब वो रिलीज़ करेगा आपको बीच में इंटरवीन बिल्कुल नहीं करना है, इंटरप्ट नहीं करना है, चुपचाप सुनना है क्या बोल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ टेकिंग केयर ऑफ प्रेजेंट डिमांड्स, अल्टीमेट गोल्स एंड द ऑब्स्टेकल्स। क्लाइंट को प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस को समझना बहुत ज़रूरी है, काउंसलर को समझना पड़ेगा कि उसकी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस क्या हैं और आगे के उसके अल्टीमेट गोल क्या है, मतलब उसका अब हम गोल क्या सेट करेंगे। तो दोनों चीज़ें इस तरह से आपको हैंडल करनी है कि वो सही डायरेक्शन में दोनों जाएं, दोनों चीज़ें सेम डायरेक्शन में जाएं। जो वो क्लाइंट को आपको सेटिस्फाई तो फील कराना ही है, साथ में ये भी बताना है कौन से ऑब्स्टेकल्स हैं जिसकी वजह से वो अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहा है। अगर कोई पर्सन खुद ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है और अपनी ड्यूटी समझता है कि ठीक है, ये खुद की ड्यूटी है, क्लाइंट की खुद की ड्यूटी है कि वो रियलाइज़ करे कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। जब वो ये रियलाइज़ कर लेता है कि उसकी लाइफ में क्या हो रहा है तो वो एक्शन लेना शुरू कर देता है। अगर कोई और प्रॉब्लम है, कोई और उसकी प्रॉब्लम है, तो कैसे क्लाइंट को कॉन्फिडेंट फील कराना है कि वो उस प्रॉब्लम से खुद डील कर सके, वो हम करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल रिहर्सल से। नाउ कमिंग टू ट्रेनिंग रिलैक्सेशन एंड मेकिंग द क्लाइंट एक्सेप्ट दी थिंग्स। इसमें हम देखेंगे कि काउंसिलर जो है वो क्लाइंट को प्रिपेयर करता है कि अपने पास्ट को एक्सेप्ट करे एंड अपनी लाइफ की न्यू जर्नी को स्टार्ट करे। क्लाइंट कई रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी सिखा क्लाइंट को रिलैक्सेशन टेक्निक्स भी हम सिखाते हैं, जिसमें अगेन जो रिलैक्सेशन टेक्निक हम सिखा रहे हैं वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट किन सिम्टम्स के साथ आपके पास आया है। कुछ टेक्निक्स जो आपने पढ़ी भी हैं प्रीवियसली वो हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, जैकॉब्सन्स मसल रिलैक्सेशन टेक्निक, मेडिटेशन, डाइवर्जन ऑफ अटेंशन एक्सरसाइजेस, रिहर्सल ऑफ बैलेंसिंग थॉट्स और स्लीपिंग एक्सरसाइजेस। ये कुछ एग्जांपल इन्होंने दिए हैं जो हम क्लाइंट को सिखा सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स, बिहेवियर एंड पर्सनैलिटी ऑफ द क्लाइंट। आपको ये देखना है, आपको एज अ काउंसलर ये देखना है कि क्लाइंट का बिहेवियर कैसा है, उसके पर्सनैलिटी ट्रेट्स कैसे हैं, वो किन इश्यूज़ के साथ आपके पास आया है, और इन इश्यूज़ को जब आप कंसीडर कर लेंगे तब आपको ये भी, इसके अलावा आपको जो चीज़ें देखनी है वो ये भी देखनी है कि इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में आपको जानना है। और इन इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स अगर एग्जिस्ट करते हैं तो आपको रोल प्लेइंग करा के उनको न्यू टेक्निक सिखानी है कि किस तरह से इस कॉन्फ्लिक्ट से आप डील कर सकते हैं। अगर कुछ है, हो सकता है कि क्लाइंट की साइड से मिसबिहेवियर होता हो, माल एडेप्टेशन है बिहेवियर की, उसको आप रोल प्लेइंग के थ्रू एडजस्ट करा सकते हैं, जहाँ पे क्लाइंट को ये पता चल जाए कैसे दूसरे कितने इंपॉर्टेंट हैं उनकी लाइफ में। वो अपने ऊपर वर्क करना शुरू करता है क्योंकि उसको ये पता होता है, उसको रियलाइज़ होता है कि ये पर्सन उसकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है एंड वो इस तरह से मिसबिहेव करके उसको खो नहीं सकता। वो फिर रोल प्लेइंग के थ्रू, रिहर्सल के, बिहेवियरल रिहर्सल के थ्रू न्यू स्टाइल सीखता है बिहेवियर की, एंड देन जब उसको ये हेल्प मिल जाती है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, तो वो एक न्यू एस्पेक्ट देखता है लाइफ का, अपने सिग्निफिकेंट पर्सन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है और अपने इश्यूज़ को भी समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फैसिलिटेटिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिहेवियरल रिहर्सल्स। लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, ऑब्वियसली काउंसलर की भी होती है, क्लाइंट की भी होती है,
सो क्लाइंट की जो प्रॉब्लम्स है जब काउंसलर समझ जाता है तो बिहेवियरल रिहर्सल्स के थ्रू उसको रिजॉल्व कराता है, डीसेंसिटाइज कराता है क्लाइंट को कि वो जिन चीज़ों को लेकर सेंसिटिव है, जिन चीज़ों से वो अफेक्ट होता है उससे कम अफेक्ट होना शुरू हो जाए। सो डीसेंसिटाइजिंग हम इसी को ही बोलते हैं कि वो उन चीज़ों से जिसके लिए बहुत सेंसिटिव फील करता है उससे वो डीसेंसिटाइज हो जाए, सो दैट उसको वो चीज़ें अब अफेक्ट नहीं करेंगी। सो वो पॉजिटिव थिंकिंग को प्रैक्टिस करना शुरू कर देगा एंड देन उसको अपनी रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ इम्प्रूविंग क्लाइंट्स कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस एंड क्रॉस क्वेश्चनिंग। अगेन क्लाइंट के जो परसेप्शंस होते हैं वो किस तरह से किसी चीज़ को ले रहा है एंड जिस तरह से वो सोचता है उसको एक बार काउंसलर अगर समझ जाता है तो वो क्लाइंट को एश्योर करा सकता है कि किस तरह से वो गलत तरीके से सोच रहा है, किस तरह से वो रियलिटी को नहीं देख पा रहा और अपने परसेप्शंस को रियलिटी पे सुपर इम्पोज कर रहा है, हावी होने दे रहा है। सो जो पर्पस होगा क्लाइंट हमारा वो ये होगा कि क्लाइंट को हम एक्सपोज कराएं कि व्हाट इज़ द रियलिटी एंड हाउ दिस पर्सन मींस क्लाइंट इज़ हैंडलिंग द सिचुएशन एंड हाउ दिस क्लाइंट इज़ सीइंग द होल सिचुएशन। सो हम क्रॉस क्वेश्चनिंग से भी कर सकते हैं लेकिन क्रॉस क्वेश्चनिंग में ऐसा नहीं लगना चाहिए, जैसे मैंने प्रीवियसली भी बोला कि आप CID हो, इस तरह से नहीं होना चाहिए। आपको जिस तरह से क्वेश्चन करना है इस तरह से करना है कि क्लाइंट उन क्वेश्चंस को एनालाइज करे कि हाँ ये तो बात है, मतलब ये दिस इज़ एग्जिस्टिंग एंड अपने आंसर्स उन क्वेश्चन के आंसर इस तरह से ढूंढे जो जिससे उसको एक आंसर मिले कि क्या ये वाकई एग्जिस्ट करता है एंड उसके ऊपर वो काम करना शुरू कर सके। नेक्स्ट इज़ फैमिली स्ट्रक्चर एंड बिलीफ सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। क्लाइंट की लाइफ में फैमिली स्ट्रक्चर किस तरह का है, किस तरह के बिलीफ सिस्टम हैं जो एंसेस्टर्स से चले आ रहे हैं एंड क्या वो सही हैं या नहीं है। अगर सही हैं तो उनके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या है ये हम बता सकते हैं, और अगर गलत है तो उसको मॉडिफाई कैसे किया जा सकता है, कितने सिग्निफिकेंट है वो सारे बिलीफ्स, उसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। एक बार इस व्यू में चेंज आ जाए या दूसरों को अफेक्ट किए बिना चेंज ला सकते हैं तो बहुत हेल्प हो सकती है। इवन फैमिली थेरेपी भी की जा सकती है इसके बेसिस पे। नेक्स्ट इज़ निगोशिएटिंग होमवर्क एंड मॉनिटरिंग। काउंसलर होमवर्क भी प्रोवाइड करते हैं जब ज़रूरत होती है, डेली रूटीन में क्लाइंट को कैसे चेंजेस लाने हैं, कैसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है कोई भी चीज़ करके, उसकी एक्टिविटीज़ को किस तरह से करना है सो दैट वो एक एक्टिव लाइफ जी सके, उसको एनकरेज करना है, सिंपल टास्क को वो कैसे परफॉर्म करे एंड धीरे धीरे काउंसलर जो है वो काउंसलर उसको कॉम्प्लेक्स टास्क देगा, पहले तो सिंपल टास्क देगा, उसके बाद धीरे धीरे जब देखेगा कि वो काम करने लगा आपका क्लाइंट सिंपल टास्क करने लगा है तो उसको कॉम्प्लेक्स टास्क देगा। काउंसलर केयर गिवर को भी बोल सकते हैं कि आप मॉनिटर करो लेकिन उनको इंटरफेयर नहीं करना काउंसलिंग में। केयर गिवर सिर्फ देख सकता है कि वो होमवर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, टाइम पे बैठ रहा है, कितना डेडिकेटेड है, ये चीज़ नोटिस कर सकता है, बट काउंसलिंग में बीच में इंटरफेयर नहीं करना है किसी भी केयर टेकर को। सो इवन क्लाइंट खुद भी अपने ऊपर सेल्फ मॉनिटरिंग कर सकता है रिमाइंडर पुट करके कि उसको याद रहे कि होमवर्क करना है। सो ये चीज़ें की जा सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक अगर हम इसमें ही देखेंगे तो ऑफरिंग चैलेंजेस एंड फीडबैक। कभी कभी क्लाइंट ना आपके पास ये फीडबैक देख के भी आएगा कि वो सेटिस्फाइड नहीं है सेशंस में उसको, और वो रीज़न भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो सेटिस्फाई क्यों नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है क्लाइंट प्रैक्टिस नहीं कर रहा जो आप उसको होमवर्क दे रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो सपोर्ट नहीं कर रहे, क्या ये हो सकता है कि काउंसलर की ही खुद की पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से, या काउंसलर किसी चीज़ को लेकर डिस्टर्ब है, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है क्लाइंट के साथ या काउंसलर के साथ, या कुछ और चैलेंजेस है जो काउंसलर फेस कर रहा है। जब ऐसी चीज़ें होती हैं तो काउंसलर क्या करता है, चीज़ों को एनालाइज करता है एंड फिर डिसाइड करता है कि क्या उसको ये काउंसलिंग आगे बढ़ानी है या इसको रिफ़र कर देना है दूसरे एक्सपर्ट के पास। क्योंकि ज़रूरी है कि सेशंस ऐसे नहीं होने चाहिए कि क्लाइंट को आपके ऊपर से बिलीफ ही ख़त्म हो जाए, वो आप पे विश्वास करना छोड़ दे, इवन काउंसलिंग के ऊपर विश्वास करना छोड़ दे कि काउंसलर तो बेमतलब में बेवकूफ़ ही बना रहा है, मतलब उसको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। तो जब आपको लगता है कि क्लाइंट जो है वो आपके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं कर रहा
होमवर्क नहीं कर रहा, आपकी चीज़ें परस्यू नहीं कर रहा एंड कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, गोल नहीं अचीव हो रहा, चीज़ें स्टैटिक की स्टैटिक है. सो बेटर आइडिया इज़ टू ट्रांसफर द क्लाइंट, रिफर द क्लाइंट टू समवन एल्स. नाउ टर्मिनेशन की बात करें तो इनका कहना है कि काउंसलिंग तब सक्सेसफुल होती है जब क्लाइंट खुद बोलता है कि मैं अब डिसकंटिन्यू करना चाहता हूँ बिकॉज मैं डे टू डे लाइफ को मैनेज कर पा रहा हूँ, आई एम कैपेबल ऑफ मैनेजिंग डे टू डे लाइफ. तो ये तो सबसे बढ़िया चीज़ होती है. कभी कभी काउंसलर क्लाइंट जो है वो कर तो पाता है ये सारी चीज़ें, लेकिन वो इतना अटैच हो गया होता है अपने काउंसलर से कि वो छोड़ना नहीं चाहता सेशंस. उसको लगता है कि बस करते रहो क्योंकि मुझे मज़ा आता है सेशन में. ऐसे भी क्लाइंट आते हैं. सो आपको फिर म्यूचुअली डिसाइड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है क्लाइंट को कि दिस इज़ अ टेम्परेरी एसोसिएशन एंड आपको प्रोफेशनल रहना पड़ेगा और उनको टर्मिनेट करना होगा. कभी कभी टर्मिनेशन इसीलिए भी हो जाता है जब एथिकल इश्यूज आने लगते हैं, जब क्लाइंट आपके ऊपर ज़्यादा इंक्लाइंड होने लगता है, वो सेशन से ज़्यादा प्रोफेशनल रिलेशनशिप से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है या बहुत रेजिस्टेंसेस शो करता है, या ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे काउंसलर को भी लगता है कि दिस इज़ इट, मतलब अब ये क्लाइंट अब सुधर नहीं रहा, तब आपको टर्मिनेट करना पड़ता है सेशंस. तो और रिफ़र भी कर सकते हैं. अच्छा, ये जो ये सेशंस जो होते हैं टोटल 10 to 12 हो सकते हैं मैक्सिमम. नाउ एथिकल इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का भी. एथिकल इश्यूज़ अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में आ चुका है और आगे भी आएगा. पहली चीज़, आपको बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्री सेट करनी है थेरेपेटिक रिलेशनशिप में अपने क्लाइंट के साथ. आपको कोई भी ऐसी पर्सनल चीज़ें डिस्कस नहीं करनी जिससे क्लाइंट को लगे कि आप उसके फ्रेंड हैं, ये नहीं होना चाहिए. कभी कभी आप नहीं करते तो भी क्लाइंट ये परसीव करने लगता है कि आप उसके फ्रेंड हैं. दैट कैन बी वेरी ट्रिकी सिचुएशन जहाँ आपको क्लाइंट को एक्सप्लेन करना, बिकॉज उसको हर्ट नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, कि उसको ये ना लगे कि इसी चीज़ के लिए उसको दोबारा सेशन लेने पड़ रहे हैं ऑल बिकॉज काउंसलर ने आपसे उसको ऐसा बोल दिया. सो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है. इन्फॉर्म्ड कॉन्सेंट, आप जो भी टेस्टिंग कर रहे हैं क्लाइंट के ऊपर या कोई थेरापेटिक टेक्निक बता रहे हैं, क्लाइंट की परमिशन ज़रूर लेना है, उसका कंसेंट लेना है. क्लाइंट की जो भी प्रॉब्लम है उसको प्रोफेशनली ही आपको हैंडल करना है. थर्ड पॉइंट. फोर्थ पॉइंट, काउंसलर जो है वो कभी भी इस सिचुएशन का बेनिफिट ना उठाएं कि अरे क्लाइंट से पैसे वसूल लो क्योंकि वो बहुत परेशान है, उसको सेशन पे सेशन देते जाओ और पैसे वसूलते जाओ, ये इंटेंशन नहीं होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़, क्लाइंट को आपको पहले से ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी अफेक्ट होने वाली है. आपको जब लगता है कि क्लाइंट खुद को हार्म कर सकता है, किसी और को हार्म कर सकता है, या बाय लॉ उससे कुछ पूछा जा, आपसे कुछ पूछने पूछा जा रहा है, पुलिस पूछ रही है कुछ, तब आपको ये करना पड़ता है. तो ये वाली चीज़ें आपको क्लियर रखनी पड़ेंगी अपने क्लाइंट के साथ. इवन रिकॉर्डिंग भी अगर आप कर रहे हैं सेशन की तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेना पड़ेगा क्लाइंट से कि आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं कि नहीं. सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 1 ऑफ ब्लॉक 4 MPCE 023. आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगते होंगे. अगर ऐसा है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय.